नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आजादी के बाद पहली बार देश के ड्राइवरों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से की गुहार। और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने प्राइवेट ऑटो टैक्सी व अन्य ड्राइवरों के लिए सरकार से लगाई गुहार। सुरेंद्र प्रसाद ने कहा, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के हितों के लिए मैंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनसे मांग की है कि देश भर के ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के सम्मान में एक सम्मान दिवस स्थापित करें, जो पूरे देश में हर वर्ष ड्राइवर सम्मान दिवस मनाया जाए और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए, से ड्राइवरों की जानी मानी सुरक्षा हो सके, क्योंकि देश के लाखों ड्राइवर अपनी जान की परवाह न करके मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा सभी आवश्यक सामानों को भी पहुंचाते हैं, इसीलिए जब ड्राइवर की सुरक्षा नहीं होगा तो देश उन्नति कैसे करेगा। सुरेंद्र प्रसाद ने अपनी 28 सूत्री मांगों का ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी सौंपा था, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखना यह है कि क्या भारत सरकार ड्राइवरों के हितों के लिए भी उतना ही चिंतित है जितना अन्य संस्थानों के लिए। मानव आयोग से सुरेंद्र प्रसाद ने भारत के सभी प्राइवेट ड्राइवर भाइयों के लिए लगाई गुहार। प्राइवेट ड्राइवर भाइयों के 28 सूत्री मांगों को लेकर सुरेंद्र प्रसाद ने सरकार को लिखा था पत्र, पर सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए सुरेंद्र प्रसाद ने भारत के सभी प्राइवेट ड्राइवर भाइयों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन से लगाई गुहार। और पंजाब मानवाधिकार कमीशन प्राइवेट ड्राइवर भाइयों के अधिकारों का हो रहा है हनन, जो कि मनुष्य के लिए एक चिंता का विषय है। पेश है दिल्ली से मोहम्मद इरफान खान की एक खास रिपोर्ट। सुरेंद्र प्रसाद जी, आज आप जंतर मंतर पे किन मांगों को लेकर आए? मैं आगे कई बार सरकार को जो है अपनी विज्ञापन सौंप चुका हूं, और मानवाधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानवाधिकार पंजाब सरकार को भी विज्ञापन सौंप चुका हूं। 28 सूत्रीय मांगों को लेके मैं सरकार को, मानवाधिकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, पंजाब सरकार मानवाधिकार को भी सौंप चुका हूं। पर तीन चार बार हमने धरना प्रदर्शन, हमने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हमने किया, पर सरकार के कानों में आज तक दूर तक रिंग नहीं रिंग रही है, और सरकार ना ही मानवाधिकार किसी तरह कोई जवाब दे रहा है, ना ही किसी तरह की अपने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई, अपने प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कोई मांगों में विशेष मांगी क्या है? विशेष मांगे हमारे ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस की मांगे हमारा, जैसे आम तक जितने भी है पेड़ पौधों को भी आयोग है, ड्राइवर आयोग है, सॉरी ड्राइवर सभी तरह के ड्राइवर आयोग है, ड्राइवर भाइयों के लिए, ड्राइवर के लिए भी ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस की घोषणा की जाए जल्द से जल्द। किस तरह के ड्राइवर दिवस की मांग है आपकी? जैसे हमारी एक पहचान है 31 दिसंबर को जो है। जी, 28 सूत्रीय मांगों में विशेष मांगे क्या है आपकी? ड्राइवर दिवस किस तरह का ड्राइवर दिवस होना चाहिए? जैसे हमारी एक पहचान होना चाहिए ड्राइवर दिवस के लिए, जैसे हर एक चीज की पहचान होती है, जैसे फादर दिवस, मदर दिवस, चाइल्ड दिवस, पर्यावरण दिवस, इस तरह के हमारे भारत के अंदर जितने भी ड्राइवर भाई है उनकी एक पहचान है ड्राइवर दिवस। इसके अलावा आपने ज्ञापन किस किन संस्थाओं को या किन किन महत्वों को आपने दिया है? हमने सभी को दिया है, पार्लियामेंट को है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, रक्षा मंत्रालय को, सबको सौंपा हुआ है हमने। क्या लगता है आपको, क्या आपकी इन 28 सूत्रीय मांगों को सरकार ध्यान देगी या नहीं? कई बार हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आज भी देख रहे हैं हमारे पीछे कितनी हमारी भीड़, जो हमारे ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके, अपने अधिकारों को लेके। अभी तक किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा और क्या आपकी रणनीति? अगला कदम होगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के बाहर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, क्या करूंगा, एक तरह के समझ लीजिए कि एकदम भूख हड़ताल पर बैठूंगा हम उनके पास के, आप हमारे, आपकी इस भूख हड़ताल से, आपकी इस प्रदर्शन से क्या सरकार पे असर होगा? क्या साल में एक बार ड्राइवर दिवस मनाया जाएगा या नहीं? अब मैं एक प्रयास पे लगा हूँ, सरकार के अब क्या करती है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने तरफ से अपने ड्राइवर परिवार के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, भारत देश के लालों के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। अब ये देखना इस बात का है कि सरकार इस पे क्या कानूनी कार्रवाई करके क्या निर्णय लेके आती है।